अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे ये पब्लिक देखते तो ऐसा दिख रहा है कि हम इलेक्शन जीत गए। और वैसा भी आपके साथ राजा औरंगाबाद के लोगों की दुआएं हैं, गरीबों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन तो जीत जाएंगे। भाई हमारा जमा होने का मकसद क्या है ये भी बात को समझो, सारे जिले से लोग जमा हो गए, मेरे शहर के भी नौजवान हैं पूरे, हम यहां से जातिवाद पार्टी को हटाना चाहते, जो मौजूदा खासदार है आज 20 साल से शहर में खासदार है, सिर्फ संभाजीनगर औरंगाबाद लाने मुसलमान हिलवा अफजल खान यही डाले रहा उसका। और मैं तो बोलता रहे ऊपर वाले जानबूझ के ऐसी पार्टी को ऐसे आदमी को टिकट दिए ताकि ये हमारे पर मुसल्लत रहे और हम दबे हुए रहे, हमेशा टेंशन में रहे और यहाँ उसमें जातिवाद जिंदा रहे। ग्रामीण से भी वोट लेना है, जब रामायण की लहर थी ग्रामीण से 6,500 वोट लिए, अब तो लहर खत्म हो गई, ग्रामीण से वोट कैसा लेंगे तुम, कैसा चुन के आएंगे, ये नहीं समझ में आ रहा अपने वोट खराब करना है इनको देकर। नौजवान समझो तुम, कुछ कुछ में नगर से वोट के चक्कर में साथ फिर रहे और आगे बढ़ा रहे, ये सब कुछ समझ में आ रहा क्यों ठहरे रहे, क्यों नहीं ठहरे। और ये बता रहा मैं, सोशल मीडिया पे चंद लोग बैठे हुए हैं जो खिलाफ में लिखना चालू करते हैं, ना बड़ों का अदब ना छोटों का अदब, मैं ये बता रहा हूं, नहीं नहीं मैं ये बता रहा हूं सर, ये नौजवान अपनी पूरी जमाई चाहेंगे तो सच्चा भी खैर बात यह है कि आप इंशाल्लाह इलेक्शन में ठहरो। भैया हम तो देखो दिल्ली के आदमी है, आप पार्टी चलो या आजाद करो, ये औरंगाबाद के नौजवान मैं झूठ नहीं बोल रहा बेचैन है आपको वोट करने के लिए। और फिर मैं गुजारिश करता हूँ शहर शहर अपने हाथ में लो, मैं बोल रहा हूँ औरंगाबाद के नौजवान आपको धोखा नहीं देंगे, बस हमारे मसाइल क्या है साहब, खाली दो चार मसाइल, एक पुलिस स्टेशन और एक भाटी, इसके अलावा हमारे कोई मसाइल नहीं, हमको कुछ भी नहीं होना है बस। इज्जत माफ जनाब अब्दुल सत्तार साहब और यहाँ पर बैठे तमाम भाई बहनों, आप सबको मेरा आदाब और सलाम। आज का ये प्रोग्राम सिर्फ अब्दुल सत्तार साहब की इस डिसीजन के लिए तय किया गया है कि वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, और अगर लड़े तो किस तरह से लड़ा जाए। लेकिन यहाँ के बैठे हुए रियासत के सारे लोग और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को देखकर ये लगता है कि सत्तार साहब ने ये इलेक्शन लड़ना ही चाहिए। सत्तार साहब अब्दुल सत्तार साहब के इस प्रोग्राम में आने की मेरी वजह ये है कि मेरी उनसे एक खास और खसूसी दोस्ती है और मैं उनके फैमिली का डॉक्टर भी हूँ, तो मेरी वो मोहब्बत जो उनके साथ दोस्ती वाली है, मैंने सोचा कि इस वक्त जहाँ पर वो हमारी राय लेना चाहते हैं मैं आकर यहाँ सब लोगों के सामने अपनी राय भी रखूँ। यहाँ मौजूद ये ग्राउंड की जो कैपेसिटी है, इस ग्राउंड की कैपेसिटी लगभग 30 से 40 हज़ार की है और ये ग्राउंड जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राउंड इस बात की गवाही देता है कि यहाँ आने वाला अगर एक शख्स अपने साथ 10 वोट की ताकत रखता है तो जीत के लिए जो वोट इन्हें दरकार है 4 से 5 लाख वोट इन्हें जरूर मिले। ये एक ऐसा अकेला मंच है, ये एक ऐसी अकेली शख्सियत है जिसके लिए इस मंच पर हिंदू मुस्लिम दलित और हमारे एटी महाराज इनको मिलाकर सरदार जी सारे समाज के लोग यहाँ मौजूद है। मैं दावा करता हूँ कि इनकी तरह ऐसा एक भी शख्स औरंगाबाद में नहीं होगा जो सारे मजाहब के लोगों को एक जगह जमा करे। ये एक वाहिद शख्सियत है जिसने 36 साल सियासत में काम करके सब लोगों का दिल जीता है, तमाम मजहबों को साथ देकर चलने वाला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना और इनको मेरी बेस्ट विशेष है कि आने वाले समय में ये इलेक्शन लड़े और इंशाल्लाह जरूर जीत कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ाना है तो दिल्ली को भेजना पड़ेगा। आज के औरंगाबाद लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ आम खास मैदान के ऊपर खास लोगों की मीटिंग बुलाई गई है। मैं इसलिए आपको खास बोल रहा हूँ
कि चुन के लाने की जिम्मेदारी आपको लेना है। यहां से चुनाव का जो बिगुल बजने जा रहा है उसको आपको जिन्होंने मार्गदर्शन किया वो हमारे माजी खासदार, हमारे नेता आदरणीय रामकृष्ण बाबा पाटिल साहब, जिला परिषद के उपाध्यक्ष केशवराव पाटिल तायड़े, हमारे दोस्त इलियास जी किरमानी, अशोक जी मगर, कैसर खान साहब, संजय जी जगताप, जीत सिंह जी करकोटक, अफसर खान साहब, धनराज बेड़वाल जी, अयुब खान साहब नगर सेवक, सलीम जी कुरेशी, सैयद कलीम भाई, जिला परिषद सदस्य नदीम भाई, अख्तर भाई, फेरोज भाई, सोहेल भाई, नदीम भाई, नितिन जी भोसे, अशफाक जी कुरेशी, अजीत जी, मजीद भाई कुरेशी, गोकुल सिंह जी राजपूत, डॉक्टर शोएब हाशमी, गुलाब पटेल लड़ने वाले हैं। दूसरा कोई जगह के ऊपर हम चुनाव लड़ने वाले नहीं आए। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अगर आप रथ छोड़दास है तो मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा, नहीं तो विजय प्राप्त करूंगा। मैंने फैसला लिया कि ठीक है मैं लड़ूंगा। उसके बाद मुझे शक हुआ तो मैंने हैदराबाद के सुप्रीमो से ही पूछा। मेरे दोस्त हैदराबाद में है, उन्होंने जैसे यहाँ के एक एमएलए के हाथ में, हमारे भाइयों के हाथ में जैसा वो रहता है, क्या बोलते उसको मुझे मालूम नहीं, ऐसा वो बूम ले आके बताए और पूछे कि साहब आप कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं। तो बोले हम सिर्फ हैदराबाद में लड़ने वाले और हमने फैसला किया हम कहीं नहीं लड़ने वाले। आंखें बंद बंद करके बोले तो बोलते ऐसा ही। मैं बोला अच्छा है भाई की आंखें बंद है तो औरंगाबाद में हैदराबाद देख लेंगे, औरंगाबाद अपनों को छोड़ दे रहा, चलो अपन एक नई दुकान लगा देंगे। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, अगर वो गलत है तो इंदिरा जलील साहब ने जामा मस्जिद के अंदर कोई भी नमाज के अंदर खड़े के बोल देना चाहिए कि सत्तार ने यहां गलत बोला। इतनी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं क्योंकि उनका और मेरा दोनों का सुप्रीम कोर्ट सामने है। मैं सुप्रीम कोर्ट इसलिए बोल रहा हूं कि उनका और मेरा जहां भी हम माता देखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो जगह एक है। इसका बोलने का मतलब ये है, लोग बोलेंगे कौन था केस जीत लिए तुमने सुप्रीम कोर्ट में, तो वो शक नहीं होना, किस लिए बता रहा। तो उन्होंने मुझे बताने के बाद मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूं। और जब मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ तो कुछ उनके लोगों ने कागज की रद्दी बना दिए, इतने मत इनके, इतने मत उनके, सत्तार को हिंदू देते 18%, 22%, मुसलमान इतने, दलित इतने, फिर हो जाएगा तो औरंगाबाद को ताबे में ले लेगा, जैसा मैं इसकी पूरी बना के सिल्लोड में ले आ रहा हूं। और ये सारी गणितें मार मार के टोटल काले कागज और पेन और सही खर्च कर दिया। उसके बाद लगा कि नहीं साला अपनी तो छुट्टी होने वाली है, फिर लोगों को जमा करके फिर हैदराबाद गए। फिर हैदराबाद में क्या मंत्र सीखे, कैसे मंत्र लाए मुझे मालूम नहीं, कौन थे, कुंड का पानी भी क्या है ये भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये सब होने के बाद 7 दिन के बाद में उनको होश आया कि अपना निर्णय गलत हो रहा है। फिर उनके सुप्रीमो के पास गए, फिर उनको बोले कि नहीं अब तो हमको औरंगाबाद लड़ना ही पड़ता है क्योंकि सत्तार साहब वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो बाहर के है। मैं क्या पाकिस्तान का हूं, बाहर का मतलब क्या होता है, अपने देश का तो हुई मैं। मैंने तो पहले ही बोला कि मेरा चुनाव क्षेत्र जालना में है, लेकिन मैं अगर वहां से आके लड़ सकता हूं तो तुम यहां के लोगों ने नहीं बोलने के बाद मैंने लड़ने का ऐलान किया और मेरा जीत सामने मेरी दिख रही है। तो मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूं चंद्रकांत खैरे साहब को हराने के लिए लड़ रहा हूं और आप जो लड़ रहे हैं वो मुझे हराने के लिए लड़ रहे हैं। ये फैसला पब्लिक को करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मैं हारो या जीतो, लेकिन मैं जिस हिम्मत से लड़ रहा हूं उस हिम्मत को कम करने का, जो पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उनसे मेरी ये बात बताने के लिए मैंने ये हजारों की तादाद में लोगों को बुलाया। फिर कहा है आपका ईमान, कौन सी एमआईएम है, एमआईएम का मतलब तुम्हें समझ पाए आपको।
हिंदू भाई अपनी जान की बाजी लगाने के लिए मेरे लिए लड़ रहे हैं और ये चंद मुसलमान मुझे गिराने के लिए लड़ रहे हैं, वो पूछने के लिए मैं आपके पास आया, ये बताने के लिए मैं आया हूं। मैं कोई कमजोर नहीं हूं, मैं सादा कार्यकर्ता हूं, छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अल्लाह ताला के रहम करम से हर चीज लड़ने की मेरे में ताकत है। मैं सिर्फ करता हूं ऊपर वाले से करता हूं, नीचे कभी किसी से डरा ही नहीं। जो शख्स ने हाथ गाड़ी लौटा उसको तुम कितना गरीब बना देंगे बाबा, ऊपर वाले के रहम करम से मैं जहां हूं वो तो बहुत बड़ी बात है। कि कांग्रेस का टिकट लेने के लिए लोग नंबर लगा के फिर रहे हैं और कांग्रेस के नेता मुझे आदेश दे रहे हैं कि तुम कांग्रेस से लड़ो, लेकिन मैंने ये बोला कि आम खास मैदान के ऊपर जो खास कार्यकर्ते बोलेंगे वही सुनने वाला है। है कोई इसमें हिम्मत? ये हिम्मत इनमें है तो इम्तियाज जलील साहब ने बोलना कि मैं भी अपक्ष से लड़ता हूं सरकार के खिलाफ, होते दूध का दूध और पानी का पानी। है हिम्मत? अगर है हिम्मत तो आना चाहिए। मर्द उसको बोलते हैं जो अपनी हिम्मत पर लड़ता है और अल्लाह ताला के नाम से वोट मांगता है, ये भिखार चोट से कभी डरता ही नहीं। वो चाहे कहीं का भी लीडर हो, कौन सा भी लीडर हो, कैसा भी नेता हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, मैं सबका आदर करता हूं, लेकिन अगर हमारे पास कोई खेकड़े के जैसे पांव खींचने की कोशिश करेगा तो खेकड़े की नागी कैसा तोड़ना वो भी मुझे आता है। इतना आसान नहीं हूं मैं, इनको लगता है टोपी है रुमाल है बहुत बुक्का दिख रहा है। इनको लगता है जो यहां नहीं है जहां से सुन रहे हैं उनके चेहले चपट्टे कोई जब आजू बाजू होंगे उनको मेरी रिक्वेस्ट है उनको और सुनाया जाए, नहीं तो ये लाइव बता रहे हैं कि नहीं बता रहे भाई, बताओ भाई जो भी गरीब का है थोड़ा बता दो, दे दे दिला दे और देने वाले का पता बता दो। तो मैं राजकारण की बातें जो बोल रहा हूं कि कुछ मैं जिन लोगों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं इनको शर्म आना चाहिए। रामकृष्ण बाबा की उम्र 75 साल की है, यहाँ के संसद रहे हुए हैं, वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और ये मेरा ऑपरेशन हैदराबाद में करने की कोशिश करते हैं और जलगांव के कुंड से कितना पानी पिए गया वो भी मुझे मालूम है। यहाँ कुछ पत्रकार बैठे हैं इनको मालूम है जलगांव कौन है कितने, मैं इनको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो जो ईमानदार है उनको जलगांव मालूम है। सिद्धार्थ जी नहीं बताएंगे उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, खंडालकर साहब नहीं बताएंगे उनकी भी कुछ हो सकती है, कृष्णा केंद्र की कुछ हो सकती है, नहीं ये बड़े वार्ता है, मैं छोटा कलाकार है हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा आपसे, लेकिन आपके पीछे और कोई तो भी कंट्रोलर है, नहीं हो सकता है कृष्णा जी ऐसा हो सकता है, आप कृष्ण है हमारे को तो लगता है कि तुम्हारे रथ के दर्शन देख के भी हम जीतने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त है मेरे भाई है मेरे साथी है, मुझे हर बार जब जब भी मैं कोई संकट का या अच्छा या बुरा निर्णय लेता हूं तो मुझे साथ देने का पुण्य का काम करते हैं। कोई भी पार्टी का कोई भी नेता से उनका कोई संबंध नहीं रहता है, एक पत्रकार जब अपनी भावना मानता है जब वो अपनी राय देता है तो वो पत्रकार दिल से दिमाग से दोनों का साथ मुझे मिलता है। मैं उनका नाम दो का ले लिया इसका मतलब तुम्हारे वो कुछ लोग तुमको निकाल ना दे, मुझे वो उसका डर है, तो बाकी लोगों के नाम नहीं ले रहा, नहीं तो कुछ पत्रकारों के नाम सुभाष देशपांडे साहब वगैरह सॉरी ले सुभाष जी ले लिया तो सबको तकलीफ में आ जाएंगे, इसलिए नहीं ले रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इतना सा नाव घेतला आम सा कहानी घेतला त्रेजा पाठीमागची पार्श्वभूमी एकच आहे, सभी जे राजकारण करतोय प्रामाणिक भावना नहीं करतोय, मी जे राजकारणाचे संकेत देतोय तेही प्रमाणिक देतोय, मी त्या खासदाराला पाडू शकतो हा माझा आत्मविश्वास आहे। कोणती ठेवावी तुम्ही बोला, तीन मागणी अशी आहे कमी काँग्रेसचं तिकीट घ्यावं किंवा नाही, एक मिनिट एक एक मिनिट सबको मिलेगा, एक मिनिट बोलूंगा, एक एक मिनिट सबको मिलेगा, वो एक मिनिट के अंदर ये पत्रकार अपना वो जो तुम्हारे मन में है इनके कैमरे उल्टे हो जाएंगे, मतलब उल्टे हो जाएंगे मतलब उधर देखने वाले,
अगर गलत मतलब मत निकालो। तो मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं कि मैंने लोकसभा लड़ना चाहिए या नहीं। दूसरा ऐसा है कि मैं कांग्रेस से लड़ू। तीसरा सब्जेक्ट मेरा आखिरी है और वो आपको दिल थाम के जो मुसलमान है उसको अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के बोलना है, जो हिंदू है उसको उसके भगवान को ईश्वर को साक्षी रख के, जो बौद्ध है उसको गौतम बुद्ध को साक्षी रख के बोलना है कि मैंने चुनाव अपक्ष लड़ना चाहिए या नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज। कार्यकर्ताओं का और शुक्रिया करते हैं। ऊपर आएगा प्लीज, कोई ऊपर नहीं आएगा, प्लीज 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 ऊपर नहीं आएगा प्लीज। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे विनती है और उन्होंने अपनी राय यहाँ पर दी है और उसको ध्यान में रखते हैं।